हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। एंड मैं अपने स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है आपके सिलेबस का, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये यहीं पे नहीं आएगा, ये आपके इंटर लेवल पे भी आएगा, फाइनल लेवल पे भी आएगा, एंड हो सकता है आपके जॉब में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। बिकॉज जब आप प्रैक्टिकली जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या, हमें इसे क्यों करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मे बी कंसिडर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हमने इसको डिफरेंट हेड्स में बांटा है। पहला, इस पे इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग और सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा, इम्पोर्टेंस टू वर्कर्स के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस टू क्रिएटर्स एंड इन्वेस्टर्स, इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट और इम्पोर्टेंस टू जनरल पब्लिक। फाइव टर्म्स है, फाइव एलिमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। हम वन बाई वन फाइव एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वेरियस बेसिस पे इसकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो हमेशा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। अगर सपोज मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, उसकी प्राइस अगर मार्केट में 10 रुपीज़ है और उसके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में अगर 8 रुपीज़ में मिल रहा है, तो आप उस 8 रुपीज़ के प्रोडक्ट को आप बाई करोगे, आप उस 10 रुपीज़ के प्रोडक्ट को आप नहीं बाई करोगे। तो मैनेजमेंट के लिए इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज उन्हें लो कॉस्ट प्रोडक्ट चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो उन्हें मार्केट में कम्पीट करवाने में, मार्केट में कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करे एंड उनकी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। तो तभी हो सकता है जब वो कॉस्ट अकाउंटिंग, उनके पास प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक्स हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंस टू मैनेजमेंट। एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सर्व द मैनेजमेंट इन फॉलोइंग वे। क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन ऑफ द कॉस्ट। सबसे फर्स्ट क्या होता है, क्लासिफाई करना। यानी हम कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे किस तरीके से। कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड बाई वेरियस वे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर कंट्रोल पर्पज एंड टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच एरिया ऑफ एक्टिविटी। ईच एरिया ऑफ एक्टिविटी यानी हम सपोज मान लो मेरी कंपनी है, उसमें 4 तरह की प्रोडक्ट्स बनती है, तो हर एक प्रोडक्ट एक अलग अलग प्रोडक्ट लाइन हो गया। सब समझ में आ रहा है। अगर मान लो मेरी कंपनी है, अगर सपोज ये मेरी कंपनी है, ये मैं हूँ एंड ये मेरी कंपनी है। अब मैं 4 तरह के मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मैं इंडिविजुअली क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा ना कि इस पार्टिकुलर स्टाइल की। जैसे मान लो मैंने पेन बनाया, मैंने कॉपी बनाई, ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और भी प्रोडक्ट्स स्टेशनरी से रिलेटेड में बना रहा हूँ, तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्ट होगी, अलग अलग उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो मैं ये पता कर सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। फिर फर्स्ट काम क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड सब डिविजन। क्लासिफिकेशन का मतलब कॉस्ट को हम क्लासिफाई करेंगे वेरियस बेसिस पे, जो आने वाली वीडियोज में हम देखेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस हो सकता है, या ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हो सकता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकता है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो सकता है, नॉर्मल कॉस्ट हो सकता है, अब नॉर्मल कॉस्ट हो सकता है। वेरियस टर्म्स है, वेरियस बेसिस पे वो हम आने वाली वीडियोज पे हम देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंस टू मैनेजमेंट में कंट्रोल ऑफ मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके यहाँ मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट में अगर आपको मालूम नहीं है या फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑफ मेटेरियल लेबर एंड ऑपरेट कॉस्ट। सपोज ये मैं हूँ, यहाँ मेरे यहाँ ये लेबर है, ठीक है। अब ये लेबर को लगाना चाहिए था 1 घंटे किसी एक पार्टिकुलर यूनिट को प्रोडक्ट बनाने में, इससे 1 आवर लगना चाहिए था, अब इसने 2 घंटे लगा दिए, तो मेरा तो 1 घंटे का नुकसान हो गया ना। मुझे तो काम तो मैंने 1 घंटे का हुआ, पेमेंट मुझे 2 घंटे की करना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, लेबर के ऊपर हम काम करेंगे कि ये 2 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे हो। अब मेटेरियल, सपोज मुझे 1 यूनिट को बनाने के लिए 1 kg रॉ मटेरियल चाहिए थी। घर में भी होता है ना, अगर आप सपोज घर में अगर आप सेवई बना रहे हो या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, कोई डिश बना रहे हो आप, तो उसमें एक सबका एक स्टैंडर्ड होता है कि आपको उसमें 2 कप चीनी डालना है,
या दो कप पानी डालना है, इस तरीके से करके आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है जब आप चाय बनाते हो या किसी भी चीज को बनाते हो। अब सपोज आपने उसके मिक्सचर में गलती कर दी, या हो सकता है आपको एक चम्मच डालने के बजाय आपने दो चम्मच डाल दिया, ठीक है, तो आपका एक चम्मच का कॉस्ट तो बढ़ गया ना, तो ये डायरेक्ट मेटेरियल का हो गया, मेटेरियल के ऊपर आपने कॉस्ट में वेरियंस कर दिया, ओवरहेड। अब देखो ओवरहेड में क्या हो सकता है, ओवरहेड में वेरियंस हो सकता है। ओवरहेड में कैसे, अब सपोज मेरा काम होना चाहिए था 4 दिन में, 4 डेज में मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट आपने 5 डेज लगा दिया, तो 5 डेज में लगाया तो आप मेरा तो बहुत खर्चे बढ़ गए। एक तो मेरा लेबर का खर्चा बढ़ गया, 4 दिन की जगह पर मुझे इसको 5 दिन की सैलरी देनी पड़ रही है, इसके अलावा मेरा रेंट का खर्च भी बढ़ गया, बिकॉज अगर काम 4 दिन में हो जाता तो मैं 1 दिन का रेंट तो सेव हो जाता ना, अब मुझे 1 दिन का एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ रहा है, तो वो खर्च भी मेरे ऊपर बढ़ रही है। तो एक कंट्रोल करेंगे हम मेटेरियल लेबर एंड ऑपरेट कॉस्ट पे। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक और मेथड ऑफ कॉस्टिंग आर यूज टू कंट्रोल द मेटेरियल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लेवल हेल्प्स टू मैनेजमेंट टू रिड्यूस ओवर स्टॉकिंग। मैक्सिमम लेवल, अब सपोज मेरी फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री की एक लिमिटेशन होगी ना कि आपके यहाँ 500 kg या 2000 kg गुड्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आप इतना ज्यादा गुड्स नहीं मंगा लो कि आपके पास रखने का स्पेस ही ना हो, तो होगा क्या, उसको आपको बाहर रखना होगा, या हो सकता है बाहर रखने के बाद बारिश हुई वो खराब हो गया, या किसी ने चोरी कर लिया फैक्ट्री से बाहर आपने रखा, तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। आप इंटर में पढ़ोगे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, वो सब कुछ के बारे में, ठीक है। यूज ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। सपोज मेरा मेटेरियल खत्म होने वाला है, अब जैसे मान लो मुझे मालूम है कि पूरे साल मुझे 10,000 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं कितनी कितनी रॉ मटेरियल मंगाऊँ कि मेरा मंगा, देखो दो खर्चे आती है जब आप रॉ मटेरियल मंगाते हो, तो एक तो फर्स्ट क्या आएगा, आपका ऑर्डर करने का कॉस्ट आ जाएगा, और सेकंड आपका इसको कैरिंग करने का कॉस्ट, यानी स्टोर में हेल्ड करने का, बिकॉज आपको एक प्रॉपर स्टोर मेंटेन करना होगा। तब कितनी क्वांटिटी मंगाओ कि आपका ये दोनों कॉस्ट मिनिमम हो जाए, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आप इंटर में पढ़ोगे। हेल्प द परचेज डिपार्टमेंट टू ऑर्डर राइट क्वांटिटी, एंड इफिशियंट चेक ऑन लेबर एंड मशीन इज प्रोवाइड बाई गिविंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन एंड लेबर कैपेसिटी। द वर्क इज सो प्लान डेट नो एक्शन इज ओवरवर्क एंड नो एक्शन इज रिमेन आइडल। आप इस तरीके से आप प्लानिंग करो कि कोई काम आपका बच ना जाए, या हो सकता है कहीं आपका आइडल ना हो जाए, ठीक है। By classifying overhead into controllable, uncontrollable or fixed and variable, it helps to control the overhead cost. हम various basis पे हम classify करेंगे, variable overhead होता है, fixed overhead होता है, ये सब कुछ हम आगे देखेंगे जब हम cost sheet पढ़ेंगे, तो broadly इन सब चीज़ों को हम discuss करेंगे। Cost accounting provided detailed control of material, labor and overhead cost, जो कि मैंने आपको starting में बता दिया। सेकेंड प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज के टाइम में। प्रॉपर प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं है तो आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा, तो प्राइसिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फिक्स द रेमुनरेटिव सेलिंग प्राइस ऑफ वेरियस आइटम ऑफ गुड्स अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। During the period of depression, and businessman has to become very watchful and vigilant in tracking down the concealed inefficiencies and source of wastage, so that he may reduce the cost of production to minimum. During depression, the businessman has to cut the price to such extent as to the recover the variable cost. Cost accounting makes the distinction between fixed and variable cost, helps the management in determination of the price. If prices are fixed without cost information, it is possible price quoted made too high or too low. अब आइए इसके बारे में हम वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राइस जो फिक्सेशन होता है वो हर एक की अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है। अब सपोज मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ ऑलरेडी फुल कैपेसिटी चल रही है, 10,000 क्वांटिटी मैं प्रोड्यूस कर रहा था, 10,000 क्वांटिटी की मेरे पास ऑर्डर आई, मैंने बना दिया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, इसके लिए मैं नॉर्मल कॉस्टिंग करूंगा, नॉर्मल प्राइस फिक्स करूंगा, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि सपोज मेरे पास एक अलग से ऑर्डर आ गया, जो कि मेरा रेगुलर कस्टमर नहीं है, वो एक ओकेजनल मेरे पास कस्टमर आ गया, अब उसने मुझे बोला मुझे 2,000 क्वांटिटी चाहिए, तो आप इस 10,000 में से तो आप 2,000 क्वांटिटी नहीं दोगे ना, बिकॉज 10,000 तो आपका रेगुलर ऑर्डर है। अगर आप 2,000 इधर दे देते हो तो मार्केट में आप 8,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाए, आपने 2,000 का वहाँ शॉर्टेज कर लिया,
आप इस 2000 के लिए क्या करोगे, एडिशनल प्रोडक्शन करोगे। एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए एडिशनल टाइम चाहिए आपको, या तो आप ओवर टाइम करोगे। तो इस 2000 यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा 10000 से, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अब सपोज ये 10000 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1 मंथ का टाइम लगता था, ठीक है, तो मेरे फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर्ड हो रहे थे, आप प्रोडक्शन करो या ना करो तो ये तो आपने ऑलरेडी इससे चार्ज कर लिया। अब ये 2000 क्वांटिटी का जो आपके पास एडिशनल ऑर्डर है, यहाँ से आप फिक्स कॉस्ट चार्ज करोगे, नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, बिकॉज ये तो आपने ऑलरेडी 10000 क्वांटिटी से चार्ज कर रखा है। अगर आप 2000 से भी चार्ज करोगे तो एक ही खर्चा दो जगह आपने चार्ज कर लिया, यानी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को आपने हाई कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट से सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेंगे एंड प्लस हम अपना प्रॉफिट चार्ज करेंगे। हो सकता है हम मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमारी मार्केट में गुडविल बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम अपने गुडविल के अकॉर्डिंग भी हम चार्जेज, हम अपने प्राइजेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फिर डिफरेंट सर्कमस्टांसेज में प्राइज का फिक्सेशन होता है, ठीक है। अब जैसे जियो का देख लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जियो ने जब मार्केट में इनिशियल स्टेज में जब जियो आया तो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सिम्स मार्केट में लॉन्च किए, लोगों को फ्री में सिम्स दिया, फ्री में डाटा दिया, फ्री में कॉलिंग दिया, एंड धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाई, लोग जियो के सिम्स यूज करना शुरू कर दिए। नेट पहले लोग 1 GB डाटा में पूरे मंथ को मंथ यूज कर लेते थे, अब 1 GB डाटा उन्हें एक दिन के लिए भी कम पड़ता है, तो जियो ने लोगों को हैबिट्स लगवाए। आफ्टर दैट आप देख सकते हो जियो ने कितने कम टाइम में पूरे मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सब प्राइस डिटरमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने प्राइस डिटरमाइन किया कि पहले हम इनिशियल स्टेज में इस तरीके से प्राइस रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इस तरीके से प्राइस रखेंगे, और फिर हम प्राइस इस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे, और जो भी हमारे इनिशियल स्टेज में लॉस हुआ है उसको हम इस तरीके से हम रिकवर करेंगे, सब प्राइजिंग डिसीजन, ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। अगर हमने प्राइस अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमने प्राइस कैलकुलेट नहीं किया सही तरीके से तो क्या होगा, या तो आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आपने बहुत हाई बता दिया होगा जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, और या तो आपने उसको लॉस में बेच दिया होगा, ऐसा हो सकता है, बिकॉज आपको चीज़ें अगर एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो आपको ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके साथ हो सकती है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है ड्यूरिंग द डिप्रेशन। अब सपोज मान लो मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मतलब एक ऐसा टाइम चल रहा है, रिसेशन का टाइम चल रहा है जिसमें प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो आप क्या करोगे, आपका यही टारगेट होगा ना कि एटलीस्ट आपके रेंट का खर्चा और प्लस आपका वेरिएबल कॉस्ट दोनों इनकर्ड हो जाए, यानी दोनों आप रिकवर कर लो, प्रॉफिट नहीं आएगा तो भी चल जाएगा। ऐसा होता है, सपोज कोई एक प्रोडक्ट है, अब उसको मालूम आपको 6 महीने बाद वो खराब हो जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, उसको प्रोडक्ट फटाफट आप उससे बना के एंड उसको चाहोगे सेल आउट करना। अब अभी क्या है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है एज फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी फैक्ट्री में क्या है, मुझे फिक्स एम्प्लॉयज है उसकी सैलरी देनी ही देनी है, ठीक है, इसके अलावा रेंट मुझे देना ही देना है, मैं प्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, यानी मेरे फिक्स खर्चे तो होंगे ही होंगे, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी तो बनाऊँ कि मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लूँ। ब्रेक इवन पॉइंट आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है, यानी ना हम प्रॉफिट में है ना हम लॉस में, यानी हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो चुका है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम अपने कॉस्ट को रिकवर करने के चाहते हैं, तो उस सीनियर में हम प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम सिर्फ कॉस्ट को हम फाइंड करेंगे, और हमारा ऑलरेडी मार्केट चल रहा है तो हम किस तरीके से कॉस्ट को डिसाइड करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, ये सारा कुछ प्राइसिंग डिसीजन का है। ये फाइनल लेवल पे आपको पढ़ना है, इंटर लेवल पे भी आपको प्राइसिंग डिसीजन नहीं है, फाइनल लेवल पर डिटेल्स में पढ़ना है कि प्राइसिंग कब कब आप किस तरीके से आप कोट करोगे अपने बायर को। इम्पोर्टेंस टू मैंने, अब बिजनेस पॉलिसी, अब बिजनेस पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पॉलिसी में रिक्वायर्ड कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड एंड प्रोसीजर्स एंड दिस इज फैसिलिटेट बाय कॉस्ट इंफॉर्मेशन करेक्टली प्रेजेंटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक विचल डिसीजन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मीन यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। अब मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ बिजनेस पॉलिसी होता क्या है। फिर से मैं एग्जाम्पल लूंगा जियो का। जियो ने क्या किया, इनिशियल स्टेज बिजनेस पॉलिसी में हम क्या करते हैं, बिजनेस पॉलिसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आती है, एक मैंने आपको प्राइजिंग डिसीजन बताया लाइफ यूआईसी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसके अलावा आपका प्राइजिंग डिसीजन था, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट में यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। अब देखो जियो का जब उसने लॉन्च किया
तो अगर वो सोचता है कि यार मुझे अभी 1 साल तक मुझे फ्री में सिम्स बेचने हैं, फ्री में डाटा देना है, फ्री में कॉलिंग देना है, तो वो क्या जियो लॉन्च करता? नहीं करता, बिकॉज उसको लॉस दिख रहा था फर्स्ट ईयर में। हो सकता है आपको नियर फ्यूचर में आपको लॉस दिखे, बट जियो ने क्या देखा कि अगर हम 10 साल 20 साल अगर अपने बिजनेस को रन करते हैं, तो 20 साल में ओवरऑल हमारे बिजनेस कितना प्रॉफिट दे रहे हैं। हम एक पार्टिकुलर ईयर को हम नहीं टारगेट किया, हमने ओवरऑल बिजनेस को टारगेट किया। हम 10 साल 20 साल के बाद हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। अब सपोज एप्पल एक फोन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, तो क्या वो फर्स्ट ईयर के बेसिस पे लॉन्च करेगी? फर्स्ट ईयर में तो हम 5,000 यूनिट ही बेच पाएंगे और हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है? नहीं, वो प्रोडक्ट की ओवर लाइफ देखा कि हम 10 साल में इस प्रोडक्ट को हम कितना बेच सकते हैं, एंड उससे हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और 10 साल की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एनालिसिस करेगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। जियो ने भी ऐसे किया, उसने 10 साल 20 साल का एनालिसिस किया कि आखिर कितने टाइम बाद हम अपने लॉसेस को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे, और आखिर ये ओवर द लाइफ ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग बनेगा या लॉस मेकिंग। उसके बेसिस पे लोगों ने लॉन्च किया, एंड उसके बेसिस पे ड्यूरिंग द उन्होंने प्राइस को इंट्रोड्यूस किया। अब आती है बात प्रोडक्ट मिक्स की। प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है? देखो, प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है, सपोज आपके घर में 10 kg मिल्क है। अब 10 kg मिल्क से आप वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे आप घी बना सकते हो, दही जमा सकते हो, या फिर स्वीट्स बना सकते हो, और भी बहुत कुछ बनते हैं, बटर बनते हैं। मतलब मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें बन जाती है, ठीक है? तो आप किस प्रोडक्ट को बनाना चाहोगे जिसकी सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा है? एक तरीका तो ये हो गया, बट हो सकता है ना कि इसकी सेलिंग प्राइस तो ज्यादा है बट उसकी कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है। सपोज अब मैं ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल पर, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब सपोज मान लो कि मैं घी बनाता हूँ, घी 400 रुपये kg है। अगर मैं दही बनाता हूँ तो 100 रुपये kg बिकता है, ठीक है? इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट अगर मैं बनाता हूँ, जैसे मिठाई बनाता हूँ, तो 200 रुपये kg बिकता है मेरा, ओके? अब तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा? मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मेरी प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो रही है। ये तो इसकी सेलिंग प्राइस हुई। इसके अलावा इसके कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगे, तो इसको मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा। देन इससे मेरा क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है? इस कंट्रीब्यूशन को मैं डिवाइड कर दूंगा। 10 kg है ना, तो इसमें अब सपोज मान लो इसमें बनाने में 2 kg लग रहा होगा, इसमें बनाने में 1 kg लग रहा होगा, इसको बनाने में, मतलब पर केजी कितना कंट्रीब्यूशन वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमें जनरेट करके दे रहा है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें बनाना है। ये इस सिनेरियो में होता है जब आपके पास कोई एक लिमिटिंग फैक्टर है। आपके पास 10 kg दूध है, और 10 kg दूध में आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो कि आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे, यानी आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे के जाए, यानी आप प्रॉपर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करो। उस केस में हम क्या करते हैं? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं। सेम एक अदर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैं एक सेलर शॉपकीपर हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स बेचता हूँ। आप एक कस्टमर हो, आप मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट बाई करने, तो सपोज आप मेरे यहाँ कोई फोन परचेज करने आते हो, तो मैं फर्स्टली कौन सा फोन दिखाऊंगा? मैं वो फोन फर्स्टली आपको रेफर करूंगा जिसमें मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है? अगर सपोज मैंने आपको फोन दिखाया, अगर वो फोन आपको पसंद आ गया, तो आपकी सेटिस्फेक्शन को भी फुलफिल हो गया और प्लस मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। अगर मान लो वो कंपनी का आपको फोन नहीं पसंद आया, तो मैं सेकंड उस कंपनी का फोन आपको दिखाऊंगा जिसमें मुझे रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो रहा हो। यानी मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ। तो ये दो अलग अलग एंगल्स हैं जिसके तरीके से आप पता कर सकते हो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स अपनी। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी मतलब खाली, अब आपकी फैक्ट्री तो है लेकिन उसमें 2 घंटे का आइडल टाइम होता है, 2 घंटे काम नहीं होता, बिकॉज आपके पास इतना काम ही नहीं कि आप 8 घंटे 10 घंटे अपने फैक्ट्री को रन करो। तो उस आइडल टाइम को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो? हो सकता है आप उसको रेंट पे दे दो किसी अदर पर्सन को कि यार तू इस टाइम में प्रोड्यूस कर ले, या फिर आप कुछ और यूज कर सकते हो। तो आप किस तरीके से अपने आइडल टाइम को आप यूज कर सकते हो, वो सब कुछ बिजनेस पॉलिसी के अंदर कवर होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। आप जो आपका करंट एसेट चल रहा है उसको आप कब ये क्या करोगे, रिप्लेस करोगे, उसका भी एक रिप्लेसमेंट का एक अलग ही चैप्टर है, वहां पे आप पढ़ोगे। स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। अब देखो, आपको लेबर के लिए भी एफिशिएंसी डिसाइड करना होगा कि एक पार्टिकुलर पर्सन को एक दिन में 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, ये स्टैंडर्ड हो गया। अगर उसने 10 से कम प्रोड्यूस किया तो क्या हो गया, उसकी एफिशिएंसी कम हो गई।
अब सपोज 10 क्वांटिटी का उसने 10 बना दिया, तो क्या हो गया उसका 100% डिफिशियंसी हो गया, सॉरी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 100% हो गया। अगर उसने 9 क्वांटिटी बनाया, 9 क्वांटिटी उसका 90% डिफिशियंसी हो गया, 8 क्वांटिटी बनाया तो 80% डिफिशियंसी हो गया। तो हम एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे मेटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, एंड उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि उसने उतना प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, और कम किया तो क्यों किया, उसके पीछे रीजन फाइंड आउट करेंगे, एंड इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें होती है वो हम करेंगे। बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने आपको पहले ही बता दिया एग्जाम्पल देके, स्पेशल फैक्टर जो मैंने आपको अभी मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, लिमिटेड रिसोर्सेज। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द स्पेशल फैक्टर सच एज ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी, सीजनल वेरिएशन, इन्वॉल्वमेंट कॉस्ट, आइडल टाइम ऑफ लेबर एंड आइडल कैपेसिटी ऑफ मशीन इटीसी। इट आल्सो हेल्प्स टू क्रिशियल द लॉसेज ड्यूरिंग दिस ऑफ सीजन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, अभी यहाँ पे क्या 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 कर रहा है, स्पेशल फैक्टर ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी जो कि मैंने आपको बताया था लिमिटिंग फैक्टर्स से हम ऑप्टिमम प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। सीजनल वेरिएशन, हो सकता है ना कि इस सीजन में हमें प्रॉफिट था, लास्ट सीजन में हम लॉस मेकिंग थे, तो सीजनल वेरिएशन क्या हो रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, वो सब चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। इन्वॉल्वमेंट कॉस्ट, यानी जैसे अब दीपावली का टाइम आने वाला है, तो दीपावली के टाइम में क्या होता है, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाती है, तो उस सीजन में हम क्या करेंगे, हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। फिर हो सकता है क्या, दीपावली खत्म होने के बाद फिर सेल्स हमारी कम हो जाती है, तो सारा सीजनल वेरिएशन को हम फाइंड आउट करेंगे, एंड उसको हम किस तरीके से हम वहाँ पे अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। यानी अब सपोज मान लो आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है, तब क्यों अपने यहाँ लेबर को रखोगे, मुझे पता है कि नेक्स्ट मंथ में मेरी सेलिंग कम होने वाली है, तो मैं नेक्स्ट मंथ में मैं लेबर को कम कर दूंगा। इट ऑल्सो हेल्प्स क्रिशियल लॉसेज ड्यूरिंग ऑफ सीजन, मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट टू वर्कर, अब वर्कर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस द रिलेटिव एफिशिएंसीज ऑफ डिफरेंट वर्कर। मैंने आपको पहले बताया कि अगर 10 क्वांटिटी का उसने अगर 10 प्रोड्यूस कर दिया तो उसकी 100% एफिशिएंसी, यानी बंदा काम करने में मेहनत कर रहा है, वो मेहनत से काम कर रहा है, यानी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ इंसेंटिव्स देंगे, उसको और प्रमोट करेंगे। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और आपको कुछ रेमुनरेशन या कुछ आपको गिफ्ट दे दिया जाए, तो उससे क्या होता है, आप प्रमोट होते हो, आप मोटिवेट होते हो, आप और अच्छे से चीज़ों करना चाहते हो। अगर कोई क्या कर रहा है, 8 यूनिटी बना रहा है, तो इसकी तो एफिशिएंसी कम है ना, यानी बंदा काम अच्छे से कर नहीं रहा, तो हम इसको कुछ बोनस नहीं देंगे। तो इस तरीके से भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। ए गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग प्रमोट प्रोस्पेक्टिवली ऑफ द बिजनेस एंड दोज इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एंड एडुकेट रिवॉर्ड टू वर्कर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंपॉर्टेंस टू क्रिएटर एंड इन्वेस्टर, इट इनेबल द क्रिएटर्स एंड इन्वेस्टर टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्रिएटिव वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। ए साउंड बिजनेस कंसर्न विद अ गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर दैन ए सिमिलर कंसर्न विदाउट एन एडुकेट कॉस्टिंग। देखो इस पॉइंट से ना मैं एग्री नहीं, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रैक्टिकली होता क्या है, हम अपने कॉस्टिंग अपने बायर, अपने इन्वेस्टर, अपने शेयर होल्डर किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। हाँ, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में जो उसके शेयर होल्डर होंगे वही कंपनी के ऑनर्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो उनके साथ सब कुछ शेयर होता है, बिकॉज कंपनी को रन वही करें, डायरेक्टर वही है, ऑनर वही है, एवरीथिंग वही है कंपनी के लिए। बट अगर पब्लिक लिमिटेड की अगर आप बात करो, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैंने अगर कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो मैं कंपनी का ऑनर बन गया, मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, मैं कंपनी का मेंबर बन गया। तो इस तरीके से हर एक पर्सन कंपनी का शेयर परचेज कर लेगा और उसके कॉस्ट के रिकॉर्ड्स निकाल लेगा, और कॉस्ट का रिकॉर्ड क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, आप आने वाले टाइम में पढ़ोगे। तो उससे तो अगर मुझे मालूम चल गया कि भाई आपकी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी कॉस्ट इतनी है, सेलिंग प्राइस इतनी है, आपकी प्रॉफिट इतनी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके तरह मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। समझ रहे हो, आपकी कॉस्ट मुझे मालूम है तो मैं उस हिसाब से मैं बहुत चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप में। तो इसलिए कॉस्टिंग एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, ना वो इन्वेस्टर के साथ शेयर होता है, ना शेयर होल्डर के साथ शेयर होता है, वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ही लिमिटेड होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं प्रैक्टिकली एग्री नहीं हूँ, थ्योरेटिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप एक दो बार रीड कर लो, देन ये भी पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जो टैक्सेज आती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप जानते हो कि आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, इसके अलावा भी होते हैं कस्टम ड्यूटी होता है,
और बहुत सारे ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन जब से जीएसटी आया तो काफी सारे टैक्सेस कम हो गए। तो अब टैक्स लगाने के लिए क्या चाहिए आपको? कॉस्ट चाहिए होगा प्लस प्रॉफिट, तभी तो आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। ये आपका आ गया सेल्स। अब इस सेल्स के ऊपर आप क्या लगाते हो? टैक्स लगाते हो। तो इस सेल्स के लिए क्या है? कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी सही तरीके से प्राइजिंग नहीं हुई है तो गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू कम जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन लेके आया है कि अगर आपकी कंपनी कुछ स्पेसिफाइड टर्नओवर को अगर एक्सीड करती है तो देन आपको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाना है किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से, ठीक है, एंड उसको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिव्यू करेगा, एंड उसके बाद हो सकता है अगर आपके सारे रिकॉर्ड ट्रू एंड फेयर रहे तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, अगर नहीं तो आपको कुछ नोटिस आ सकती है उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आइए अब इसको हम पढ़ते हैं। इट फैसिलिटेट द असेसमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड इनकम टैक्स एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्सेशन ETC। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स रेडी फिगर्स फॉर यूज बाई गवर्नमेंट एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम लाइक प्राइस फिक्सेशन, प्राइस कंट्रोल, टैरिफ प्रोटेक्शन एंड वेज लेवल फिक्सेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज बनाएगी वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करेगी। इसलिए गवर्नमेंट सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने पास मंगवाती है और पता करती है किस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, कहीं वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा प्राइस तो चार्ज नहीं कर रहा। वो सारी चीजें मालूम करने के लिए सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट अपने पास लेके आती है। इम्पोर्टेंस टू जनरल पब्लिक। अब देखो जनरल पब्लिक के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अगर द अल्टीमेट एम ऑफ कॉस्टिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम द प्रॉफिट। कॉस्ट को रिड्यूस करना, मिनिमम कॉस्ट करना एंड प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग। ए पार्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजल्टिंग from the reduction of the cost is usually passed on the consumers in the form of lower price. Besides, the installation of costing system will infuse confidence in the mind of the public amount of fairness of the price charged. मैंने आपको पहले बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिकॉर्ड्स इसलिए मंगाती है कि पब्लिक से, अब जैसे मान लो आपके डेली नेसेसरीज के सामान है, अब सॉल्ट, सॉल्ट तो कंपल्सरी है, हर कोई खाता है, विदाउट किसी भी सब्जी अगर आप बना रहे हो तो उसमें नमक तो चाहिए होता है। अब नमक अगर 500 रुपये के जी हो जाए तो भी आप उतना ही खाओगे, और अगर नमक 10 रुपये के जी हो जाए तो भी आप उतना ही खाओगे। नमक अगर आपको फ्री में दे दिया जाए तो भी आप उतना ही कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो बेसिक नेसेसिटी होता है उस केस में प्राइस बहुत एक्सेस ना हो, फेयर प्राइस हो। अब लग्जरीस आइटम है तो वहाँ पर प्राइस एक्सेस चलता है, बिकॉज वहाँ पर इंसान अपने रॉयल के लिए, अपने आप को सामने वाले को शो ऑफ करने के लिए प्रोडक्ट परचेज करा है, तो आप वहाँ पे एक्सेस चार्ज कर लो, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए गवर्नमेंट भी वहाँ पे टैक्स ज़्यादा चार्ज करती है, पर जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ है वो आम इंसान को कंज्यूम करना कंपलसरी है, वहाँ पे प्राइस आप एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करो। ये इंपॉर्टेंस टू जनरल पब्लिक। तो होप्स हो आपको इंटायर वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।